आई एम डॉक्टर आंचल अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट एंड एसोसिएट डायरेक्टर, फर्टिलिटी एंड आईवीएफ, क्लाउड नाइन हॉस्पिटल, पंजाबी बाग। कॉमन मिथ अमंग पीपल, बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि आईवीएफ को टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों कहते हैं? क्या ये हमारा अपना बच्चा नहीं है? इज इट सम आर्टिफिशियल चाइल्ड? क्या बच्चे में एबनॉर्मैलिटीज होंगी? क्या बच्चा किसी और तरीके से ग्रो करेगा? सो टू बी वेरी क्लियर, आईवीएफ को टेस्ट ट्यूब बेबी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लेबोरेटरी में इसका प्रोसीजर किया जाता है। ये आपके ही गैमीट्स हैं, आपका ही एग है और आपका ही स्पर्म है, सिर्फ उसको फर्टिलाइज हम बॉडी के बाहर करते हैं। बिकॉज जिस भी किसी रीज़न की वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, हमें फर्टिलाइजेशन इंश्योर करके बेस्ट क्वालिटी एम्ब्रियो को सिलेक्ट करके फिर इम्प्लांट कराना, तो इसलिए हम फर्टिलाइज बाहर करते हैं। द प्रोसीजर इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ टेस्ट ट्यूब। सो एक कॉमन लैंग्वेज में बहुत साल पहले शायद किसी ने इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलना शुरू कर दिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई आर्टिफिशियल बेबी है, ये आप ही का बेबी है, आप ही का बायोलॉजिकल चाइल्ड। और आईवीएफ है इसलिए बेबी किसी और तरीके का होगा, ऐसा नहीं है। बेबीज आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। द रिस्क ऑफ एबनॉर्मैलिटी इज सेम एज इन स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन। अब तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम नॉर्मल एम्ब्रियोज को सिलेक्ट कर सकते हैं। एबनॉर्मैलिटी का चांस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है विद द लेटेस्ट अवेलेबल टेक्निक्स। सो ये सब सिर्फ मिथ्स हैं और इनकी वजह से हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। इट्स एन एब्सोल्युटली सेफ प्रोसीजर। ये आपका अपना बेबी है, बेबी बिल्कुल नॉर्मल होता है और बेबी में ऐसे कोई मेजर एबनॉर्मैलिटीज का रिस्क नहीं होता। इफ़ यू वॉन्ट टू डिस्कस फर्दर अबाउट दिस, आई एम अवेलेबल एट क्लाउड नाइन हॉस्पिटल, पंजाबी बाग, फ्रॉम 10 AM टू 3 PM, मंडे टू सैटरडे। थैंक यू।